ये हमारा मिसल पाव रेडी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर कमेंट करते तो उससे मुझे थोड़ा सा एनर्जी फील होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे बनाने जा रही हूँ कोल्हापुरी मिसल पाव। हमारे मुंबई में भी फेमस है मिसल पाव, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिसल पाव, जिसके लिए मैंने ली हूँ यहाँ हल्दी, धनिया, नमक, ज़ीरा पाउडर और काश्मीरी मिर्च। ठीक है, अब ये है मिक्स फरसन, दो टमाटे, दो ग्रीन चिली, और ये मैंने रात में भिगा डाली थी इसको मट को घर के ही अंदर, और दो प्याज, कोथमीर और एक ऑयल। ठीक है, और अब मैंने जो यहाँ तवे पे जो मैंने ली हूँ वो है सूखा खोपरा, एक प्याज, लहसुन, एक दालचीनी का टुकड़ा, अक्खा धनिया और काली मिर्च। इसका मैं मसाला एक पेस्ट बना लूँगी, मैं आगे आपको बताती हूँ। देख सकते हैं मैंने जो मसाला बताई आपको वो मैंने इसको ग्राइंड कर ली। ठीक है, आइए आज हमारा झटपट मिसल पाव रेडी शुरू करते हैं बनाना। चलो अभी मैं बता रही हूँ आपको मिसल बघारने के लिए। अभी मैंने डाली इसमें ऑयल, क्योंकि मिसल में थोड़ी तरी होती है तो ही अच्छी लगता है मिसल। अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हल्का सा। ये मैंने एक बॉल प्याज चॉप करके रखी जो आपको मैंने बताई थी। ठीक है, प्याज जैसी ब्राउन हो जाती है मैं आपको बताती हूँ, प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम मैंने जो आपको मसाले बताए। चलो आओ देखो, आप देख सकते हो प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई, जलाना नहीं है हमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने दो टमाटे काट के रखे हुए हैं, ये मैंने जो आपको बताया कि मसाला, ये मसाला मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये सब मसाले देख सकते हैं मसाला। अब मसाले को मैं क्या करूँगी, जो थोड़ा मसाले का मिक्सर में था मसाला मैंने थोड़ा धो के पानी डाल दूँ। अब इसको हमें 10 मिनट तक का ढक के इतना भुनना है कि मसाला, टमाटे सब एक हो जाए। ठीक है, अब मैं ये मट भी मैं अभी यही टाइम पे डाल दूँगी, इसके साथ नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने आपको बताई थी मिसल मसाले के साथ में डाल दी थी, और मैंने उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा एक गिलास पानी डाल दी, क्योंकि वो पानी भी गर्म हो जाएगा तो मैं अब उसमें डाल दूंगी। तो मसाला ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये जो मैं पानी है ना, बस ये मैं इसमें डाल देती हूँ। देख सकते हैं अच्छी तरीके से मसाला हो चुका है। ये मिसल पे ये तरी आना चाहिए, मेन मिसल का मज़ा यही है तरी। ठीक है, थोड़ी मट और गल जाती है, बस 5 से 10 मिनट और हमको रखना है, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी देखो हो गई है, बस देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरी आई है मिसल पे। आइए मैं आपको 10 मिनट के बाद और बताती हूँ। मैं अभी गैस को खोलूँगी नहीं, 5 से 7 मिनट हो गया है पर मैं इसको खोलूँगी नहीं, मैं अभी गैस को बंद कर दूँगी। ठीक है, इसको मैं अब 5 मिनट के बाद में आपको सर्व करके दिखाती हूँ मिसल पाव, जब तक इस पर तरी आ जाएगी। ओके, देखिए ये हमारा मिसल पाव रेडी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये हमारा मिसल पाव रेडी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग